दोस्तों मुंबई और कोलकाता के बीच खेले गए मुकाबले में धुआंधार पारियां देखने को मिली। हार्दिक पांड्या की तेज तरार 91 रन की पारी तो सभी के दिलों में छू गई। हार्दिक पांड्या ऐसी पारी खेल के गए जो रसल की धमाकेदार 80 रनों की पारी पे भारी पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, कल के मैच में कोलकाता ने 232 रन का स्कोर दिया मुंबई इंडियंस को। आंद्रे रसल ने तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए मात्र 40 गेंदों पे 80 रन की धुआंधार पारी खेली, लेकिन इस पारी को कहीं न कहीं पांड्या अपनी सुनामी में बहा ले गए, क्योंकि हार्दिक पांड्या की पारी देखें तो वो थी 34 गेंदों पे 91 रन की। आइए नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पे, जहां पे कंपैरिजन हम करेंगे हार्दिक पांड्या की पारी के सामने आंद्रे रसल की पारी। आप देख सकते हैं कि आंद्रे रसल ने रन मारे 80 और हार्दिक ने 91। 40 गेंदे ली आंद्रे रसल ने, 34 गेंदे ली हार्दिक पांड्या ने। 200 की स्ट्राइक रेट आंद्रे रसल की, 268 की स्ट्राइक रेट रही हार्दिक पांड्या की। जहां रसल ने 6 चौके मारे, वहीं पांड्या ने भी 6 चौके मारे। रसल के 8 छक्के तो हार्दिक पांड्या के 9 छक्के। इन दोनों की बल्लेबाजी जबरदस्त थी, लेकिन पांड्या पावर को मानना होगा। इस पूरे आईपीएल में दोनों ने 12-12 मैच खेले हैं। इन 12 मैचों में आंद्रे रसल की जो MVP पॉइंट है, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट्स, 342.5 है, जबकि हार्दिक की 291। जहां पे रसल ने 12 मैचों में 486 रन मारे हैं तो हार्दिक ने 355। हाईएस्ट स्कोर रसल का 80, हार्दिक का 91। एवरेज रसल के लगभग 70 है तो हार्दिक की 60। स्ट्राइक रेट रसल का 260.69 है तो हार्दिक की 198.32, जबकि चौके रसल ने 29 तो हार्दिक ने 25 मारे हैं। छक्के रसल के 50 है तो हार्दिक के 27। कैच जहां पे रसल ने 4 पकड़े हैं तो हार्दिक ने 10। विकेट दोनों ने 10-10 लिए हैं, जबकि सबसे अच्छा बॉलिंग फिगर अभी तक दोनों का काफी बराबर सही है। रसल ने हाईएस्ट 21 रन देके 2 विकेट लिए हैं तो हार्दिक ने 20 रन देके 3 विकेट। इकोनॉमी दोनों की काफी खराब है, जहां रसल ने 8.77 के रेट से रन जुटाए हैं तो वहीं इकोनॉमी में हार्दिक महंगे साबित हुए हैं। उन्होंने 9.68 की इकोनॉमी से अब तक रन जुटवाए हैं, तो ऐसे में दोनों ही बल्लेबाज अपनी अपनी टीम के लिए बेहतरीन है। हालांकि रसल का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन हार्दिक को इसमें अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बार मुंबई के लिए काफी धमाकेदार पारी खेली है। हार्दिक पांड्या इंडिया के सबसे बड़े हिटर बन चुके हैं। अक्सर ऐसे आंकड़े किसी वेस्ट इंडियन प्लेयर के ही होते हैं, लेकिन इस बार हार्दिक पांड्या ने रेस्पॉन्सिबल होके लंबे छक्के भी मारे हैं और मैच जितवाए भी हैं, और साथ ही साथ अंत तक वो हर मैच में लड़े हैं। तो दोस्तों, आपको हार्दिक पांड्या और रसल में से कौन सा बल्लेबाज ज्यादा वैल्यूएबल लगता है आईपीएल के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें खेलो खेलो, ताकि खेल जगत की ऐसी और भी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले।